एसडीएफ न्यूज स्वागत करता आपका 10 बड़ी खबरों के साथ, मैं हूं आजाद। बहुचर्चित सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में नित्य नई कहानी बना रही मुंबई पुलिस की दो रंगी नीति से बिहार के लोगों के साथ साथ सभी राजनीतिक दल खफा हैं। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में तथा कथित आत्महत्या का मामला गूंजता रहा। एक स्वर और एक सुर में सभी ने सुशांत सिंह राजपूत कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर बिहार की मंशा से सरकार को वाकिफ करा दिया है। खुद नीतीश कुमार महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस की कार्यशैली से क्षुब्ध हैं। पटना स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन का मिजाज पूरी तरह अयोध्या भगवान श्री राम मंदिर भूमि पूजन की ओर समर्पित हो चुका है। तभी तो उक्त अनुष्ठान की सफलता के लिए पटना हनुमान मंदिर से जुड़े लोग राममय हो गए हैं। इस बीच बीते दिनों यहां से प्रसाद सामग्री लेकर रवाना वाहन अयोध्या मंदिर स्थल पर पहुँच गया है। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली से तो यही संकेत मिल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होकर रहेगा। आयोग की तैयारियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सब्जियों के दाम को बाढ़ और वर्षा ने प्रभावित कर सभी आम उपभोक्ताओं का जायका बिगाड़ दिया है। खेतों में जलजमाव के चलते सब्जी से जुड़े किसान के चेहरे पर मायूसी ला दी है। बाढ़ पीड़ितों के बीच रसद लेकर प्रतिदिन पहुंच पाना आसान काम नहीं, लेकिन राहत कर्मियों की चाहत के अनुसार प्रतिदिन एनडीआरएफ सुरक्षा कर्मियों का हौसला अब तक यथावत बना हुआ है। टीम वर्क के चलते लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने वाली एनडीआरएफ की टीम की जीवटता प्रशंसनीय है। बाढ़ पीड़ितों के बीच खाने की समस्या का समाधान करते हुए राज्य सरकार ने सामूहिक किचन व्यवस्था को कारगर ढंग से चलाया है। नतीजतन बाढ़ पीड़ितों को पका भोजन अब मिलने लगा है। कल के दिन का इंतजार हर सनातन धर्मावलंबियों को काफी समय से था, यानी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन समारोह के साथ स्थल पर एक भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारम्भ हो जाएगा। प्रधानमंत्री के कर कमलों से यह कार्यारंभ होगा। इस बीच वहां सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। धीरे धीरे राजधानी पटना की दुकानों को खुलने की अनुमति मिलने लगी है, जिसका सभी कारोबारियों ने स्वागत किया है। इसी के आलोक में राजीव नगर एवं कंकड़बाग के बफर जोन के तहत बंद सभी दुकानों को खोलने का निश्चय किया गया है, लेकिन अभी भी 103 कंटेनमेंट जोन में निर्धारित पाबंदियां लागू रहेंगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर आम जनता से अपील की है कि भगवान श्री राम मंदिर भूमि पूजन समारोह का आनंद अपने टीवी सेट के माध्यम से ही लें। साथ ही निजी स्तर पर कल यानी बुधवार को घरों पर शाम के समय दीप माला सजाए। पटना के डीएम कुमार रवि के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद कार्यभार संभाल चुकी प्रभारी डीएम ऋषि पांडे के मुताबिक जिले में सभी दिन कम से कम 2800 लोगों की जांच हेतु रणनीति तैयार की गई है। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।